खबरें आपने अब तक सुनी होगी कि एलिगेशंस ट्रॉलर्स पर लगाए जाते हैं सेलिब्रिटीज पर, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री ही एलिगेशंस का सामना करता नजर आया, बल्कि साथ साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा सामना करता नजर आया ट्रॉलर्स के निशानों का एम्स अस्पताल के पूरे टीम के सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता की हम बात कर रहे हैं। इस नाम से अब आप अनजान नहीं होंगे, ये वही नाम है जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हेड के तौर पर इस वक्त सवालों के घेरे में ट्रेंड में। सुधीर गुप्ता से जुड़ी तमाम बातें हैं। सुधीर गुप्ता आखिर क्यों गिरफ्तारी से जुड़ी सवालों से बने हुए हैं, क्यों आखिर लोगों के निशाने में सुधीर गुप्ता आए, कौन है वो जिन्हें लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से हटकर ट्रेंड में इस वक्त सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर सुशांत के वॉरियर ट्रॉल करते हुए उन्हें निशाने में उन्हें लेकर आए हैं, आज हम जानेंगे ये सारी बातें हमारे शो में। तो दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये ट्रेंड स्पेशल प्रोग्राम SSR वॉरियर्स के उस निशाने की तरफ जिस पर सुधीर गुप्ता को जवाब देना पड़ा। लेकिन क्यों आखिर सुधीर गुप्ता अरेस्ट होने को लेकर, नार्को टेस्ट करवाने को लेकर चर्चा का विषय थे, इस पर जो पॉइंट 8 पॉइंट तैयार हुए हैं इस बारे में हम बात करेंगे हमारे शो में। तो इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जो थी उसे लेकर तमाम तरह के सवालों का सामना सुधीर गुप्ता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फॉरेंसिक हेड सुधीर गुप्ता ने से लेकर तमाम जवाब दिए। जब सुधीर गुप्ता तमाम तरह से इल्ज़ाम का सामना करते रहे, डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने अपने बयान को पलटा। पहले उन्होंने ही कहा था कि सुशांत ने खुद से ये कदम नहीं उठाया, किसी न किसी साजिश के तहत इस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है। तमाम तरह के डाउट्स थे सुशांत के रेजिडेंस के CCTV फुटेज से लेकर, फुटेज ना होने से लेकर सुशांत के कमरे के अंदर हुए क्राइम सीन के बदलाव को लेकर, क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद किसी भी तरह के फुटेज को ना रखना, वीडियोग्राफी उस कमरे का ना रखना, और तो और मुंबई पुलिस का जांच में सहयोग में कॉपरेशन न करना, ऊपर हॉस्पिटल में जांच के दौरान सच्चाई खुलकर सामने लाना, विसेरा के 20% को ही जनरेट करके रखना, डी जनरेट बाकी सब्सटेंस को करके रखना। सुशांत मामले में तमाम तरह के शक थे सुशांत के लिए, जब मार्क्स को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि ये साजिश थी, स्ट्रैंगुलेशन ही हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का स्ट्रगल ना पाने पर इस बात को निश्चित कर दिया गया है कि सुशांत का निधन उसे ड्रास्टिक स्टेप की वजह से हुआ जो कि सुशांत ने खुद उठाया था। लेकिन सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी डॉक्टर के खिलाफ बोली, CBI पर आंखें हैं ये कहकर CBI के साथ फोटो शेयर की उन्होंने और लिखा कि सुशांत देख रहा है, सुशांत जहाँ भी है वो देख रहा है सब कुछ। ऐसे में तमाम एलिगेशन जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ लगाए गए, जब ये कहा गया कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, इन्होंने पहले भी कई इन्वेस्टिगेशन लाइक आरुषि केस, सुनंदा पुष्कर केस जैसे इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेशन में फॉल्स रिपोर्ट बनाया था और बदला था इन्वेस्टिगेशन, उन्हें अरेस्ट करने की ज़रूरत है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स को जांच करने की ज़रूरत है, उनके नार्को टेस्ट होने की ज़रूरत है कि क्यों वो अब पलट गए हैं अपनी बात से। अब इसी पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बदनामी के बाद गिरफ्तारी की मांग होने पर डर कर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कबूल किया है कि हाँ ये सच है कि उन्होंने शक किया था और उन्हें भी ये लगता था, डाउट था उन्हें CBI की जाँच जब शुरू हुई थी तब कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन में कोई ना कोई साजिश किसी न किसी की है। इस साजिश में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को माना गया जो भाई खाला जेल के अंदर ऑलरेडी कैद है। ऐसे में आगे सुधीर गुप्ता ने इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि क्यों उन्होंने कहा था, उन्हें लगा था 8 ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर अब बात करने की ज़रूरत है, रिलेशन है एग्जामिनेशन में 8 पॉइंट के और उस पर उन्होंने बात करते हुए कहा, सुशांत के निधन के केस जब CBI को दिए गए तो एम्स की टीम के डॉक्टर के कई लोगों को इसमें शामिल किया गया,
सीबीआई ऑफिशियल्स को साथ देने के लिए इन्वेस्टिगेशन में। 22 अगस्त की तारीख को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने कंस्टिट्यूशन के अंदर डॉक्टर्स की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर के तौर पर उन्हें इसकी जांच के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। अब एम्स टीम जब मुंबई पहुंची तो उन्होंने क्राइम सीन के पिक्चर्स लिए, ऑफिशियल एक्सेस नहीं थे पिक्चर्स के, जिसकी वजह से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ गड़बड़ है। और फिर एम्स टीम जब स्टार्ट कर बैठी इन्वेस्टिगेशन तो एक्सप्रेस किया गया कि फोल प्ले हुआ है सुशांत के इन्वेस्टिगेशन में, और इसी वजह से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने वो स्टेटमेंट दिया था रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि एम्स की टीम के साथ शेयर नहीं किया गया था वो रिपोर्ट। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने वो स्टेटमेंट लास्ट अगस्त के आखिरी वीक में दिए थे, लेकिन एम्स टीम जब मुंबई पहुंची और स्टार्ट किया उन्होंने दूसरे वीक, सितंबर के दूसरे वीक में जांच, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने विजिट में नहीं की, मुलाकात नहीं की मुंबई में एम्स पैनल के तहत, और इसी वजह से वो चर्चा का विषय बने हैं। और सीबीआई की टीम को उन्होंने अकंपनी भी नहीं किया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता को एक मेंबर के तरह शामिल भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, एम्स डॉक्टर ने क्वेश्चन किया कोपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ कि सुशांत के निधन के बाद जो ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की गई थी उस वक्त भी सवाल किए गए थे कि क्यों इतनी जल्दी थी, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता तब भी प्रेजेंट नहीं थे। डॉक्टर्स जब एम्स टीम की तरफ से सवाल करने आए, बीते सोमवार को एम्स डॉक्टर की टीम जब सीबीआई के एसआईटी से मिले और रिपोर्ट शेयर किया तो सुधीर गुप्ता तब भी उस टीम का हिस्सा नहीं थे। जब सीबीआई ऑफिशियल से मुलाकात हुई, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा इन्वेस्टिगेशन, सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन में उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज करने की थी, उस टीम में काम करने की नहीं थी, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे थे इस टीम को। सीनियर डॉक्टर ने ये भी कहा फाइनल रिपोर्ट जो है 7 फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से बनाए गए और एम्स ने अनोनिमस कंक्लूजन में पहुँच कर इस पर तहकीकात का नतीजा बताया है। उन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए थे ये उन्हें लगता था, लेकिन सुपरवाइज किया है उन्होंने डॉक्टरों को, तहकीकात की और डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। वैसे आपको बताना चाहेंगे एम्स रिपोर्ट को लेकर सुशांत के फैमिली लॉयर ने भी हाल ही में आपत्ति जताई कि ये कंक्लूसिव नहीं है, सीबीआई को जांच अब भी करने की ज़रूरत है। अब सुशांत एम्स टेप के बारे में बात की जाए तो उन्होंने मिसेस किया है, वॉरियर्स जो है सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने उकसाया है, शेखर सुमन ने भी काफ़ी कुछ कहा है। वैसे आपको बताना चाहेंगे शेखर सुमन ने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की। इतना ही नहीं, एम्स के लीक रिपोर्ट को लेकर सुशांत की बहन इनफैक्ट अंकिता लोखंडे ने भी नाराज़गी जाहिर की। वैसे सच्चाई सामने लाने के लिए प्रॉमिस किए हैं एक मीडिया संस्थान के रिपोर्टर ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल हो रहा है। तो दर्शकों, अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया सुधीर गुप्ता ने एलिगेशंस पर क्या कहा और क्या है उनके एलिगेशंस। अब आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेते हैं अब तब तक के लिए इजाजत, देखते रहें बॉलीवुड की हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर कर सब्सक्राइब। नमस्कार।